आप देख रहे हैं सेवन न्यूज, हमारे साथ है वार्ड नंबर 27 जिला पंचायत पद के सदस्य साहिब आलम उर्फ डब्बू प्रधान जी, जो हमें बताएंगे कि अब उनकी जिंदगी में उनकी प्राथमिकता क्या है, इन 16 गांवों में जो समस्या है किस तरीके से वो निजात दिलवाएंगे इन गाँव में। सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अपने साथियों का जो इस जीत का सबब बने जी। मेरे बराबर में सुभाष भाई है, आलम ये भाई की तरह लगे रहे हैं और इन्होंने ही, इनकी वजह से ही, इन लोगों की वजह से और जनता की वजह से ये जीत जो मिली है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विकास की बात ये रही है, हम लोग पहले से ही जनता से जुड़े हुए हैं, काम कराते रहते हैं। आप आरिफ भाई हैं, ये हर वक्त लगे रहते हैं जी, समाज सेवा भी करते हैं जी, समाज सेवक भी है जी, सुभाष भाई है, इनका भी यही काम है। जहाँ तक और हम जानते हैं कि आप वर्तमान में भी आप प्रधान हैं जी, तो आपने प्रधान पद पे भी रहते हुए काफी काम अपने गाँव में भी आपने किए होंगे। पानी जो है प्रदूषित हो चुका बिल्कुल, और इसकी जांच भी करने वाला कोई नहीं, और इससे जो सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है कैंसर भी हो रही है, क्योंकि आदमी कैंसर से भी नहीं पीड़ित हो जाता है, कैंसर भी से बीमार हो जाती है, और कैंसर ऐसी बीमारी लाया है जिसका इलाज भी संभव और नहीं भी है। वार्ड 27 में जी करवंत सिंह के दौरान मैंने ये पाया जी कि जितने भी गाँव जी इनके पास से काली नदी होकर गुजर रही है जी, इसलिए इनका पानी जो है उसका टेस्ट और कलर दोनों बदला हुआ जी, और इसमें यहाँ हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ पानी की टंकिया नहीं है जी, और जहाँ जहाँ पानी की समस्याएं हैं जी, ज्यादातर 80% गाँवों में समस्या है, उनका सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकता रहेगी कि उनका निराकरण करें जी, और ज्यादातर लोगों को जिनको पेंशन नहीं मिल पाई है, जो उसके पात्र हैं जी, वास्तविकता में पात्र हैं जी, उन लोगों की पेंशन, श्रम विभाग से जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन जी, लेबर हाँ, और जिन लोगों के लिए छोटी छोटी चीजों पर जिन लोगों ने अब तक फोकस नहीं किया जी, जो पिछले सदस्य हैं जी, उनको जो जनता ने नकारा है जी, उस मौके को हम नहीं चूकना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि जनता के पास बिल्कुल डोर टू डोर जाके जी उनका निराकरण करें, उनकी समस्या को समाधान। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को दीपावली और गंगा स्नान को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि इन दोनों पर्वों को हम प्यार से, स्नेह से, उल्लास से मनाएं, और इसे सब मिल बांट कर, मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग कर कर करें, प्रेम भाव से। मैं देशपाल सिंह, नेताजी सुभाष इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल और नेताजी सुभाष एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपावली प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत बहुत खुश करेगा, पूरे देश में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे,